कभी कभी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जिससे ऐसा लगता है कि भारत विकास के नाम पर हर कदम पर 10 कदम पीछे हट जाता है। भारत में शिक्षा प्रणाली अभी भी काल प्रगति पर है। इंटरनेट पर हर दिन ऐसी कहानियां मिल जाती है जो हमें सरकारी स्कूल की एक स्टिक तस्वीर देती है। हम इंग्लिश मीडियम व हाई फाई स्कूलों की तरह देखें तो पछतावा करते हैं कि काश हमारा स्कूल भी ऐसा हो। फिलहाल एक वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक चिंताजनक वीडियो में प्राथमिक स्कूल के बच्चों को अपने स्कूल के बाथरूम को साफ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक जिला प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को शौचालय साफ करने के लिए बनाए जाने की एक तस्वीर गुरुवार को सामने आई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बलिया में प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने घोषणा की है कि उन्होंने एक जांच शुरू कर दी है। फुटेज में बच्चे शौचालय की सफाई करते नजर आ रहे हैं, जबकि एक शख्स उन्हें डांट रहा है। छात्र ने बाथरूम को ठीक से साफ नहीं कर पाने पर उसे बंद करने की धमकी दी। बेसिक शिक्षा अधिकारी मणिराम सिंह ने कहा कि वीडियो बुधवार को वायरल हो गया। वीडियो सोहवन क्षेत्र में पिपड़ा कला प्राथमिक विद्यालय का है। आदमी की पहचान अभी पता नहीं चल पाई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी मणिराम सिंह ने कहा है कि उन्होंने सोहवन प्रखंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में छात्रों को ब्लॉक सोहाऊ के पिपड़ा गाँव के स्कूल प्रिंसिपल की मौजूदगी में शौचालय की सफाई करते देखा जा सकता है। उसी घटना में एक अन्य वीडियो क्लिप में प्रिंसिपल को छात्रों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं शौचालय को बंद कर दूंगा, अगर यह ठीक से साफ नहीं हुआ तो आपको शौच के लिए घर जाना होगा। बाद में क्लिप में एक नाबालिग छात्र शौचालय साफ करने के लिए पानी से भरी बाल्टी लाता है। Yeah.